जितने भी लोग हैं एक बार आप लोग फ्री होके हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा सेशन कोई लेक्चर का सेशन नहीं है कि मैं आऊँ आपको लेक्चर दूँ आप सुनो और ताली बजाओ चले जाओ। ये सेशन वॉलंटियर पार्टिसिपेशन का है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। क्लियर? म्यूजिक चलेगा, मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा। मैं आपको बेसिक गाइडलाइन बताना चाहता हूँ, सो दैट कभी भी कई बार क्या होता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल लोग हुआ इसीलिए कराया जा रहा है ना। किसी भी तरह का वर्कआउट करने के लिए दो चीज ध्यान रखना, पोस्चर नहीं, एनी वर्कआउट ऑल द टाइम ट्राई टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल, एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये आपका रिलैक्स एब्स है, ये देखो शुरू में लगेगा आपकी सांस रुके, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बातचीत करते 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 ये पूरे दिन आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज सारी प्रॉब्लम शुरू होती है स्पाइन की। उससे अगर आपका बैठने का पोस्चर गड़बड़ हुआ धीमे 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 आपका, अगर आपका एब्स मसल्स प्रैक्टिस हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट करके रखने की, तो आपका स्पाइन ऑलवेज इरेक्ट रहेगा। स्पाइन इरेक्ट पोजिशन में है, आधी प्रॉब्लम वैसे दूर हो गई। किसी भी तरह का वर्कआउट करो, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर चिन न्यूट्रल। चिन न्यूट्रल का मतलब सर्वाइकल, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल होता है। और एक बार सर्वाइकल टीचर्स को अक्सर होता है, टीचर्स प्रोफेसर जितने लोग पीसी पे काम करते हैं ऐसे गर्दन होता है, जितने लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं कॉपियां चेक कर रहे हैं, सबको सबको 90% सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो प्लीज ऑलवेज जब भी कुछ करना है आपने चिन को न्यूट्रल रखो। क्लियर? मार्च कर रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, आप कभी भी मार्च करते समय हील को फ्लोर पे कभी भी कॉन्टैक्ट मत करने देना। ऑलवेज हील फ्लोर पर टच हो सकता है बट वेट नहीं आएगा कभी भी। वेट आने का मतलब है एंकल नी लोअर बैक देन वर्टिकल इंपैक्ट से आपके नेक जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, तीसरा, बिना वार्म अप के कुछ नहीं करना और बिना वो कूलिंग डाउन के घर में जाना। एनी वर्कआउट, इफ यू आर गोइंग फॉर वॉक, देखा है कभी जानवरों को, देखा है किसी भी जानवर को उठाना, उसको उठाओगे सुबह सुबह ना तो पहले वो अंगड़ाई लेता है। जानवर को पता है उसको क्या करना है, हमको नहीं मालूम। डॉगी को देख लो, बिल्ली को देख लो, चूहे को तो नहीं देख सकते आप देखोगे वो कभी गांव में गाय भैंस देखी अपने बीच बीच में अपने उसको अंदर खींच के फिर ऐसे फिर ऐसे कर रहे होते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, बिकॉज पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है इट इज ऑल दिस रिलेटेड विद दिस। तो बिना वार्म अप के कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सामने स्ट्रेच कर लिया आपने, अंदर स्ट्रेच कर लिया, ये ऊपर कर लिया, लेफ्ट चले गए राइट चले गए, बस हो गया, इतना ही काफी है। और जब भी किसी वर्कआउट पे जाए, मैंने देखा है लड़के ग्राउंड में खेल के गए, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला और घर चले गए, इट इज वेरी डेंजरस। जब तक कूलिंग डाउन नहीं करते हैं ये आपको मसल सोरनेस होगी, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो आपको परेशान करेगा, उस वक्त आप जो विगरेस वर्कआउट करोगे वो इंजरी कॉज करेगा। ठीक, कितने लोग यहाँ पे जिम जाते हैं, जिम कौन कौन जाता है, एनीबडी एल्स? गर्ल्स अगर आपको भी कुछ आइडिया प्लीज देना स्क्वाट के बारे में। स्क्वाट नहीं, मैं एक तो बस खाली कर दो, ओके वापस आ, अब करो, ओके बस एक तो, एक तो, ओके। सी इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, देखो मैं पिछले सेशन में मैंने ये किया था, क्योंकि जनरली बच्चे जिम जा रहे होते हैं और जाकर के यहाँ तो नी पर इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार जा रहे हैं जिम या पहली बार स्क्वाट कर रहे हैं, तो आपने ये जो स्क्वाट है ये एक्चुअल स्क्वाट है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने होंगे, लेकिन आप डीप स्क्वाट से शुरू करो। इसमें अगर आपका नीचे आपको एक बार बैठो रुक जाना, हाँ स्क्वाट करके बैठो, बस ये आपका देखो इनका नी जो है एंकल से कितनी आगे आ गया, ठीक है ये डेंजरस पोजीशन है,
क्लियर, आपका क्वाड्रिसेप्स तो छूट गया, स्क्वायर करते हैं हम इसलिए इस क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए, ये छूट गया। नी को कब, जैसे नी एंकल को क्रॉस करता है डेंजर जोन में एंटर कर गया, ठीक है, ये नई उम्र है, सब कुछ है, पता नहीं लगता है, बात एक छोटी छोटी इंजियर वाली पता लगती है, खड़े थोड़ा विषय इसको ये आपका एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं प्रेशर आना पूरा लोड पूरा है। सी हम ये वर्कआउट कर रहे हैं क्वाड्रिसेप्स के लिए, जब भी कभी नी आपका एंगल को क्रॉस करता है ऑलवेज इट इज इन डेंजर जोन, ठीक। सबसे पहले जैसे स्क्वायर को स्टार्ट, मैं एक्चुअली स्क्वायर बता रहा हूं, यू हैव टू पुश योर हिप बैक, सेफ्टी सेफ्टी पहले जरूरी है ना, यहां से हिप को पीछे पुश कर दिया, अब ये एंगल में अब यहां तक, एंड प्रिफर की 90 डिग्री पैरेलल टू द फ्लोर जाए, ये जो कर रहे हैं दिस इज वेरी डेंजरस, परफॉर्मर नहीं है हम, अगर हम जा रहे हैं जिम जा रहे हैं करने के लिए, हमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारा यहां तक, अब इसके बाद वो रेंज बढ़ानी है, मतलब लोड बढ़ाना है, सीधे होने की कोशिश करिए, जितना अभी ये इतना तो एंगल बनेगा, ये अभी नी पर आपके प्रेशर नहीं हो रहा है, हिप पीछे है, ये फ्लोर के पैरेलल है, जितना स्पाइन को खींचते जाओगे पीछे सीधे हो जाओ, उतना इस पर सीधा लोड आएगा क्वाड्रिसेप्स, क्लियर, आपको डिफरेंस आपको पता लगेगा, ठीक है, बेटर है, पीछे करो, हिप्स को पीछे पुश करो, हिप्स को पीछे पुश करो, हिप्स पीछे पुश करो, हाँ यस, ऑलवेज मेंटेन दिस एंगल, जितना आप सीधा रहोगे उतना इस पर प्रेशर आएगा, जितना फॉरवर्ड बेंड होते जाते हो ऐसे झुक जाओगे तो वो इजी होता जाता है, क्लियर, थैंक यू। आई प्रेफर कि जब आप फर्स्ट टाइम जाए गर्ल्स या बॉयज, एनीबडी एनी गर्ल्स वांट्स टू डू, नहीं, जब भी कभी आप जाए तो यू स्टार्ट विद डीप स्क्वाट, टू शोल्डर है यहां से, पहले प्रैक्टिस चाहिए आपको हिप्स और नी के एंकल को प्रैक्टिस चाहिए मेंटेन होने के लिए, डाउन एंड अप डाउन, आफ्टर द प्रैक्टिस यू कैन कम टू दिस पोजिशन, थोड़ा ट्राई कर लो ना, अब ऐसे कभी ऐसे हो जाते एग्जैक्टली रखो ये, बैक हाइपर एक्सटेंशन कर रहे होते आप थोड़ा सा ये, ठीक है, फिर नीचे चले गए, दिस इज टू स्ट्रेंथन योर लोअर बैक, ठीक, अब फिर से करो, फिर जाओ वापस, इसमें एक चेंजेस लाना है, हम वर्कआउट कर रहे हैं इस मसल्स के लिए, ठीक, यूज कर रहे हैं हेड को, फिर करो ये हेड अननेसेसरी यूज हो रहा है, इसको हम डैमेज करें, इसको नीचे रखो, ऑलवेज ट्राई फेस पैरेलल टू द फ्लोर, मैं गर्दन को बचाने की बात कर रहा हूं सर्वाइकल में, अब उठो ऊपर, जैसे आप इसको नीचे करोगे आप यू विल फील कि आपकी रेंज बढ़ गई, करो फिर से ये देखो, नेक पर कोई प्रेशर नहीं है, एंड डाउन, फिर से करो, इसमें आप इनहेल करोगे, जब ऊपर आओगे तब इनहेल करना, मुझे ध्यान रखना, ठीक है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, क्रंचेस सिटअप छोड़ो, क्रंचेस करते हैं, जल्दी जल्दी, मैंने सेपरेशन करना आपका जो अगर आप ठीक कर लो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चीजें ना आप जनरली भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये सारी चीजें आप जनरली क्या करते हैं, गए क्रंचेस मारने लगे, सिटअप मारने लगे, ये सारे करने, यही हम रूटीन में करते हैं, अगर हमारे घर में जिम नहीं है तो भी ओके, आप चलो प्रैक्टिस, ठीक है, और जब करते हो ओके, अब इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, देखो माय सजेशन इज कि आप हाथ यहां पे जैसे वैसे इसने ठीक हाथ रखा है, जनरली अब क्या करते हैं उसमें होता क्या है कि आप छोड़ दो गर्दन जाती है, जहां हाथ आप रखते हैं इससे आप यू आर नॉट पुलिंग योर हेड, क्लियर, इससे भी बेटर एक और रास्ता है, आप हाथ को यहां रख लो क्रॉस कर लो, ठीक, आप हेड ऐसे रख लो, अब काम शुरू होता है आपका, अदरवाइज व्हाट वी डू वी आर गोइंग वन टू थ्री, गर्दन दिमाग दर्द होने लगी, यहां से अब जाओ एंड सिट क्रंच क्रंच करो, खाली क्रंच बस, क्रंच ये बस इतना ही, वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है, अब आप फील करोगे आपके नेक पर प्रेशर कम आता है, एंड ऑल द टाइम मोस्टली वर्कआउट हम क्या करते हैं, सांस को अंदर रोक के करते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस,
जितने भी सांस को अंदर रोक करते हैं बीपी का प्रॉब्लम कुछ दिन बाद उनको पकड़ने लगेगी। यू हैव टू ब्रीद आउट। अगर सांस अंदर लेके कर रहे हैं तो सांस के हेल्प से आप उठ रहे हो, ब्रेथ इज सपोर्टिंग यू। यू हैव टू ब्रीद आउट एंड स्टार्ट। करो एक बार सांस छोड़ के ब्रीद आउट। हाँ ब्रीद आउट सर, ब्रीद आउट बस सर, फिर से ब्रीद आउट। आप देखो डिफरेंस, पहले करोगे विद एयर एंड विदाउट एयर, यहां पे देखना डिफरेंस। एक बार दोनों करके देखो, एक बार इनहेल जो जनरल करते हो हाँ उल्टा कर इनहेल करके सांस रोक कर करते ना ये, आप सांस छोड़ दोनों में डिफरेंस समझो। एक सिटअप्स जो लोग यहां तक उठ के आते हैं दैट्स कॉल्ड सिटअप्स। एब्स करना है, अपर एब्स करना है, क्रंच सबमिशन, आप यहां हाथ रखना है, हेड को ऊपर रख लो एंड ट्राई टू पुल योर अपर बैक। इसको इसको नहीं करना है आपने, ये जनरल मिस्टेक होता है। और फिर हम गर्दन पे प्रेशर डालते हैं और नेक की प्रॉब्लम लेके बैठते हैं। 90% वर्कआउट में यू हैव टू ब्रीद आउट एंड स्टार्ट। अब मैं कहूंगा सांस कहां से, जब बोलते सांस छोड़ो तो लोग क्या करते हैं हाँ जनरल करते हैं या ये गलत करते हैं। बिकॉज वेन यू स्टार्ट डूइंग दिस तो अटेंशन आपका यहाँ आ गया, वर्कआउट किसका हो रहा है एब्स का। यू हैव टू ब्रीद आउट फ्रॉम हियर, नथिंग टू डू, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट योर मसल, इसको अंदर खींचो, सांस तो अपने बाहर निकलनी है। आपको फोकस सांस छोड़ने पे नहीं करना है, इनहेल एक्सहेल पे नहीं करना है, फोकस हियर, ब्रीद आउट कॉन्ट्रैक्ट योर एब्स, ब्रीद आउट कॉन्ट्रैक्ट योर एब्स। आप डिफरेंस देखोगे, लोड ऐसे आप 25 कर लेते होगे तो 15 में जान निकलेगी आपकी। नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा करने का फायदा नहीं है, प्रॉपर करने का है ना। आप 6 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है, लेके बैठे हैं कभी ये बात करें कभी कभी, और 2 घंटे पढ़ाई करो प्रॉपर, डिफरेंस है ना। तो वो 2 घंटे का आउटकम जो आएगा वो 6 घंटे का नहीं आएगा, दैट इज योर वेस्टिंग योर 4 आवर्स। एक क्रंचेस में हम मिस्टेक करते हैं जो भी जनरल सारे बच्चे करते हैं, और स्क्वाट में एनी वो लंजेस आते हैं, लंजेस करते हैं, ये लंजेस करके देखो, कोई बात नहीं, इसमें भी वही है। इसमें भी वही एक बात मैं समझ, इसमें भी सबसे पहले देखिए ये नी और एंकल एक लाइन में रखना, ये आगे ना जाने पाए, ठीक। दूसरा एक और प्रैक्टिस होती है हमारी, हम ऐसे कर रहे ठीक, इसकी जान ले रहे भाई सर, ये फ्रंट नी का नहीं हो रहा है। जब आप लंजेस में जो पैर पीछे होता है ना उसके क्वाड्रिसेप्स पे लोड आता है। अगर आप राइट पीछे हैं तो राइट मसल्स काम कर रहा है, ये तो बस आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। और कभी भी हाथ इसके ऊपर मत, इसके ऊपर हाथ रखते ही आपको ऑटोमेटिकली वेट आएगा, आप चाहोगे तो भी नहीं हटा पाओगे। सो कीप इट सीधे सेंटर में रखो और जैसे स्ट्रेस सेट कर लिया पीछे वाला हील उठा लिया, अब प्रैक्टिस करो नी को फ्लोर की तरफ लेके जाना, कुछ नहीं ट्राई करो, बस नी को फ्लोर की तरफ। एज पर योर कैपेसिटी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो गई, देन डाउन देन डाउन, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेंज बढ़ा दीजिए। फ्रंट नी और एंकल मेंटेन हो गई, 2 3 4 5, ये आपका रिदम है, इसी रिदम पे म्यूजिक बजेगा। इफ इन केस यू आर इनहेलिंग, अंदर सांस ले रहे तब भी काम चलेगा। इनको मैंने बैक हाइपर एक्सटेंशन कराया, उसमें यू हैव टू इनहेल, वो जो लेडी किया ना बैक हाइपर उसमें इनहेल करना है। मोस्टली वर्कआउट में यू हैव टू ब्रीद आउट। स्ट्रेंथ का एक डेफिनेशन होती है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट जो, स्ट्रेंथ कब होती है, स्ट्रेंथ जब व्हेनेवर यू आर वर्किंग मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। तो आप जब स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ से आपको इसको डेवलप करना चाह रहे हैं और एयर को भर करके उसको रोक रखा है आपने, गेटिंग में बना, तो जब उसको रोक रखा है तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुई अपने लेवल पे, उसको अंदर से फिल कर रखा है, स्ट्रेंथ कहां से लगेगी इस पर। तो जो भी आप कर रहे हैं यू आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ एयर। सो ऑलवेज कुछ दिन ट्राई करके देखना, ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट, यू विल फील द डिफरेंस। 1 2 ये 4 आ गया, 5 6 7 8, ठीक है, यहां से गए 1 2 3 4, ए बनाना है अल्फाबेट वाला, ए उसके बाद में एल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे स्टेप्स का कोई पर्पज नहीं है। मतलब अभी तो ये है कि भाई 4 5 10 स्टेप आएंगे तो ड्यूरेशन हमारा लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक ही स्टेप को बार बार करें क्या करेंगे।
ठीक है, यहां से आ गया। इसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट की कोशिश करेंगे 10 मिनट की हमारी प्रैक्टिस हो पूरी, ठीक है। सीरियस होकर के थोड़ा सा, सीरियस मतलब मुंह लटका के नहीं, सीरियस होना है शक्ल से नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो बेटर करने के लिए। स्टैंड अप प्लीज, ठीक है, रेडी, टेक योर एब्स इन चेस्ट अप ऑन शोल्डर लूज, शोल्डर लीन, ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, फॉरवर्ड, फाइव, सिक्स, आराम से काम करेंगे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, वन, टू, फाइव, सिक्स, वन, टू, नाउ हील, वन, टू, थ्री, फोर, वेरी गुड, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, वन, टू, फाइव, सिक्स, बैक नाउ, राइट, फाइव, सिक्स, वन, टू, फाइव, सिक्स, वन, टू, वेरी गुड, वेरी गुड, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, नाउ कैप, वन, टू, थ्री, फोर, साथ साथ में, साथ में, साथ में आओ, वन, टू, कैप, नियम नाउ, very good girls, very good, 5, 6, now slide, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, very good, 1, 2, one more, come on, 5, 6, 7, 8, lift, sing, 4, 5, 6, left, right, 1, 2, सारे वन लेफ्ट पे आएंगे अब, फाइव, सिक्स, फॉरवर्ड, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, वन, टू, वन, टू, वन, टू, गर्ल्स आर फॉर गॉन, वेरी गुड, हील ट्वाइस में कुछ है, फाइव, सिक्स, वन, टू, बैक नाउ, five, six, now step. One, two. Five, six, now back. One, two. Five, six. Knee up now. One, two.
One more. One, two. One, two. Mera hai. One, two. Simple math. Cut. Simple. Now breathe out left arm. Now right. Forward and back. Palm को अंदर ऐसे नहीं रखना आपको. ठीक है hand side. Palm अंदर को now forward bend. Down. Go down, go down, go down. Now hold the ankle. Hold the ankle, hold the rope. Now bend your knees, box position. Box position, right? Knee, ankle, leg line. Keep your hands here. Now shoulder down. You have to push your down shoulder. Shoulder. Knee ki taraf. Down, down, down. Now you need to position in your change. Change, change. Put the leg down, sir. Now, like this position, stretch. Put your knee and ankle in alignment. Change. Okay, now feet together and up. Trunk rotate. Pull, pull them. Pull, pull them. Now reverse. Lateral bend. Palm facing up. Though. Change. Okay. Shoulder shrug. Reverse. Pull up. Breathe in, breathe out. Inhale. आप सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मोस्टली मैंने देखा है गर्ल्स एंड बॉयज किसी भी टीचर प्रोफेशन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है. जनरल हर पर्सन में सर्वाइकल हो रहा है. सर्वाइकल उसके दो फैक्टर तो मैंने बता दिया आपको. अभी इसे बैठे हो आप ना, ट्राई टू सिट इरेक्ट. जब भी आप ऐसे बैठे थोड़ा सीधा जाओ. मैं ये नहीं करता बस थोड़ा सीधा. आप जवानी में ऐसे बैठो नहीं तो बुढ़ापा वाला बैठा आ जाएगा ऐसे. क्लियर? पहली चीज. दूसरा, कोशिश करो पढ़ते समय अगर आप लॉन्ग सिटिंग करें. आप लोग टेक्निकल बंदे हो सारे, होने जा रहे हो इंजीनियर बनोगे भावी देश के. ठीक है, आप लोग दो तीन चीजें रूटीन में कर लो. आप लोग बताएंगे ना रूटीन क्या है. मॉर्निंग में उठना. मैं योगा का पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ. आसन पोस्चर्स तो बाद में देखते हैं. मचा दो रूटीन क्या है मॉर्निंग में. एनीबॉडी एक्सप्लेन. मॉर्निंग उठ के सबसे उठ के पहले क्या करते हो? आप अलार्म बंद करते हो. उसके बाद मोबाइल देखते हैं. रात में कितने व्हाट्सएप आए थे एंड फिर जवाब लिख लेते हैं. इधर गया प्रश्न, इधर गया वो. उसके बाद देखो यार दो तीन चीज ऐड कर लो. जनरल आपने बहुत बार सुना होगा, सब लोग कह रहे होते हैं, हर जगह पढ़ते होंगे, लेकिन सीरियसली फॉलो कर लो. आप अपना दिन, अपनी जिंदगी का जो सुबेरा होता है, हर सुबह हमारी नई जिंदगी होती है. पता नहीं होता सोने बात की उठेगी नहीं उठेगी. ठीक है ना, कोई किसी गारंटी बताई कि मैं कैसे करूँगा, कब खत्म हो जाए पता नहीं. मैं लेक्चर ले रहा हूँ, रास्ते में जाए आप लोग तो कहीं नहीं गए बंदा, फिर कहो यार बड़ा जान निकाला था, कोई जगह बड़ा हो जाए. सो वेन एवर यू स्टार्टिंग योर लाइफ, न्यू डे, ऑलवेज स्टार्ट विद वाटर. फिर भी कह रहा हूं उठ के कुल्ला भी नहीं करना है. आप शाम को सोने से पहले ब्रश कर लो. ओके, ठीक है, बिना कुल्ला किए. जो रात में जो लास्ट जो लार्वा जो उसको एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ना, वो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए.
आप एक गिलास पानी वार्म मिलता है, अच्छी बात है, आप गए किचन में थोड़ी सी आग दिखा दिया, मैं बोलता हूँ आग दिखा दो पानी को, वॉइल बॉइल करने की जरूरत नहीं। नमक को आप अपनी लाइफ में डायरेक्ट इंटेक जितना कम कर दो आप, स्वीट एंड सॉल्ट डायरेक्ट कम करो। शुगर आपको बहुत से चावल में मिलता है, रोटी में मिलता है, सारी जगह मिल जाता है, डायरेक्ट लेना कम कर दो। ऐसे खाओ, कभी कभी सब कुछ खाना चाहिए, कचरा भी खाना चाहिए कभी कभी, है ना। जो चाट चपट या बाहर का स्पाइसी फूड खाते हैं ना, वो भी वंस इन अ वीक खाना चाहिए, वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ठीक है। खाने का शेड्यूल ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइमिंग फिक्स कर दो उस टाइम में, क्योंकि जब बॉडी जब डिमांड करती है, उस वक्त डिमांड करती है बॉडी, उस वक्त आप नहीं खाते हैं तो क्या होता है, वो जिसको बोलते हैं जठर अग्नि, बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में जठर अग्नि, पूरा खाना यहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पूरा खाना होके इतनी मुट्ठी सी चीज होती है, उसके अंदर से होके जाती है सारा खाना गलत है, और उसके अंदर आग निकलती है, फायर जो होती है उसको जठर अग्नि बोलते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर आप खाना खा रहे हैं बीच में ठंडा पानी पी लिया तो वो आग तो कम हुई इसकी ना, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। तो फूडिंग सिस्टम पे आप खाली फूडिंग सिस्टम कंट्रोल कर लो, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे सॉल्व हो जाएगी। सोने से एक घंटे पहले मोबाइल प्लीज मत टच करो, आई एम द एक्सपीरियंस, न्यूज मुझे मिलता नहीं, रात में जाके मैं जब कान पे लगा लेता मोबाइल, ये न्यूज ना, तो कई बार सोता रहता हूँ कान में न्यूज बज रहा होता है, फिर उठता हूँ ये क्या हो गया, सुबह बैटरी ड्रेन पड़ी हुई है। मैं जो भी चीज बता रहा हूँ खुद पे बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आई मुझे कई बार फेस हुआ है, सोने से पहले एक घंटे मोबाइल छोड़ दो, उसके बाद उठते ही सबसे पहले पानी, आप ये स्ट्रेच कर सकते हो, पैर नीचे लटका के कर लो, आप उठते ही सबसे पहले पानी, वॉशरूम जाइए, पानी की प्रैक्टिस डालो आप, टाइम पे खाना, एडिशनल स्वीट एंड सॉल्ट, लाइफ का चेंजेस देना, चिप्स पापड़ भैया छोड़ सकते हैं छोड़ दो। मैं अभी कल पढ़ रहा था, परसों मियोनी क्या होता है, मैंने सुना है मीन्स इक्विपमेंट बर्गर में डालते हैं, मियोनी कैसे बनती है, एनीबडी आइडिया है, उससे बनता है मियोनी, क्या हिसाब है, ऐसे क्या हिसाब केजी मिलता है मियोनी, 250 या 100 रुपीज, 80 रुपीज 100 रुपीज ना केजी, वनस्पति ऑयल क्या हिसाब है, हाँ जो वनस्पति से बनता है ना, ऑयल से बनता है, वो क्या रेट है, अभी आपका जवाब दे रहा हूं मैं आपको, मियोनी का सच्चाई बता रहा हूं, 190 से 220 रुपीज के आसपास, ठीक है ना, 190 and 200 का एक आपका वनस्पति ऑयल मिल रहा है, उसमें वो विनेगर ये सारा कुछ डालते हैं, प्रोसेस करेंगे, उससे निकालते हैं मियोनीज, और बेच कितने में रहे, 80 रुपए 100 रुपए किलो में, क्या बेच रहे हैं भाई, वनस्पति से बना रहे हैं कि वो सिंथेटिक बना रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, इमेजिन आप इसका जवाब दे लीजिए, आप सारे इंजीनियर बनने जा रहे हो, बिना मसाला बिना ईटा बिना सरिया लगा रहा पुल खड़ा कर रहे हो, 225 रुपए किलो का वनस्पति है, उसमें वेनेगर कुछ और बढ़ा है, एप्पल वेनेगर क्या क्या कुछ 2-3 चीज और डालते हैं उसके अंदर, फिर उसको मैं उसका प्रोसेस पढ़ा, उसका समथिंग क्या करें प्रोसेस निकालते हैं, और 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो बेच रहे हैं आपको, 40 रुपए का वो बर्गर देखा है मैंने, 20-25 रुपए का तो बर्गर ही आता है, उसमें वो डालता है वो ऐसे मियोनी जो भर भर के डालते हैं, उसमें 40 रुपए दे रहा है, वो 15-20 रुपए कमा भी रहा है, क्या दे रहा है आपको, इट्स ऑल सिंथ एंड केमिकल्स। आधे ज्यादा लोग कैंसर पीड़ित हो रहे हैं इसलिए नहीं, डॉक्टर चाहता है आपका कैंसर, हमारे ऑलवेज सारे क्लाइंटी क्लास डॉक्टर्स हैं, बट डॉक्टर चाहता है कि आप पेशेंट बनो, एक बार जब भी आप खाओ एक बार सोच लो प्लीज क्या खा रहे हो और क्या होगा भविष्य, आखिरी में उसकी बात मैंने खत्म किया, ये सब कुछ कर रहे हो आप अच्छी जिंदगी के लिए, तो जिंदगी ये है कि डॉक्टर दवाई दे, अब शुगर हो गया आपको ये मत खाओगे, अब ये नहीं खाना, भगवान ने सांसें गिन के भेजी है, इतनी सांसें आपकी हैं जिंदा, जब तक खत चलाते हो चलाओ, ठीक है, ये आयुर्वेदा में बोलते हैं, योगा में बोलते हैं, इसलिए लंबी सांस लो, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, व्हेन यू इनहेल मैक्सिमम, जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन मैक्सिमम गया हार्ट में, यूटिलाइजेशन हुआ, और जापान के लोग लंबी उम्र जीते हैं, क्यों, वहां देखो सबके सब बहुत लंबी सांस लेते हैं, इनहेल बहुत स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसी तरह किडनी का लीवर का लाइफ है, तो इससे इतना ही काम ले सकते हो आप, शुरू में सारा काम ले लोगे तो आपको हाथ खड़े कर दे भाई, अब नहीं होता जी, तो प्लीज
सब कुछ करो, सारा कुछ करो, पढ़ाई तो भैया आपके प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाता है, मैं तो सिर्फ हेल्थ की बात करने आया हूँ। आई ऑलवेज प्रे कि ऐसे बात करते करते जाऊं और चला जाऊं, बेड पे ना जाना पड़े। आपने बेड पे गए आदमी का आपने देखा नहीं है दर्द कभी, देखा किसी पेशेंट को जब बेड पे? कितनी भी अचीवमेंट ले लो अगर शरीर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप लोग सबसे पहले हेल्थ के बारे में सोचना, जान है तो जान है, अदरवाइज सारा कुछ बेकार है। ठीक है।